रायला थाना क्षेत्र से है, जहां रेत से भरे ट्रैक्टर चालक ने तेज गति से ट्रैक्टर को चलाते हुए एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते गुस्साए राजकीय चिकित्सालय में पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही कस्बे से रेत के अवैध ट्रैक्टर से भरे हुए निकल जाते हैं, पुलिस फर्जी कार्रवाई करके उन्हें छोड़ देती है, जिससे बजरी माफियाओं में कोई डर नहीं है। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से बेखौफ रेत से भरे ट्रैक्टर सरपट भागते रहते हैं, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस थाना प्रभारी ने मृतक को पोस्टमार्टम हेतु चिकित्सालय में रखवा दिया है तथा घटना स्थल से जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। इसी बीच तेली समाज के लोगों ने मृतक के परिजनों से 50 लाख का मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है।